बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आवाज आ रही है जी? वॉइस क्लियर है जी? मोहम्मद अहमद, इससे पैसे पहले हाथ खड़ा किया हुआ था जी। मोहम्मद अहमद, जी सर, क्लियर है सर, क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बोलें। ये फ्रेश इलेक्शन में जो क्राइटेरिया है, इसमें लिखा है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड इन द प्रीसीडिंग इलेक्शन शैल नॉट बी डिक्रीज्ड, ये इसकी समझ नहीं लगी है। हाँ जी, वो ये कि आप जो पिछला इलेक्शन हुआ जिसमें आपने नंबर तय कर लिया था, अब जो फ्रेश इलेक्शन होना तो आपने नंबर ऑफ सीट दोबारा तय करनी है ना, जी ठीक है ना? सर, वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएंगे? नहीं, या उतनी रखेंगे या उससे ज्यादा रखें। आप उस नए बंदे को हराने के लिए नंबर ऑफ सीट्स कम कर लें, बात समझे हैं? सर ये एग्जाम्पल जो है इससे समझा दें। मैं क्या, पहले पहले बात समझे ना। एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि जिस तरह पिछले बार आपकी जो एवरेज नंबर ऑफ वोटिंग है ना कम, उतने उतने आपके वोट्स तो बनते हो ना। एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कितने बने मुझे ये बताओ। मैं आपको सादा तरीके समझाता हूँ, एग्जाम्पल छोड़ो, मैं आपको सादा तरीके समझा देता हूँ। आपके एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कितने बने मुझे आप ये बताओगे, कैसे बनते हैं नंबर ऑफ वोट्स? सर वो जितने एक जो लाख होते हैं फिक्स। 1 लाख शेयर्स, जी 5 डायरेक्टर अगर आपने रखे हुए हैं या 9 डायरेक्टर रखे हुए हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कितने बने? 1 लाख, तो मल्टीप्लाई करके एक इनको लाख ही हर एक बने का। ना। हाँ जी जरा 9 लाख तकसीम 9, एवरेज नंबर ऑफ वोट्स 1 लाख बने, तो इसका मतलब वो 1 लाख शेयर्स लेगा तो वो फ्रेश इलेक्शन लीड कर सकता है ना, हाँ जी ठीक हो गया। अब उसको हराने के लिए आप नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम कर दें तो मेरे एवरेज नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाएंगे, जाहिर जी है। तो हाँ जी सर, वो उसको, वो कहता नंबर ऑफ आप डायरेक्टर्स कितने रखेंगे टू बी इलेक्टेड, 1 साल बाद फ्रेश इलेक्शन की दरखास्त आ गई। चलो जी, यहां से करते हैं, 1 साल बाद फ्रेश इलेक्शन की दरखास्त आ गई, ठीक है? जी ठीक है, अब आपने पिछले साल जी रखे थे 9 सीट्स, आप या 9 रखेंगे या 10 रखेंगे, 8 नहीं कर सकते, ठीक ठीक है? हमजा जी, हमजा। सर, जो नॉमिनेटेड बाद अगर हाँ जी, हाँ, हमजा दोबारा। हाँ जी हमजा, चले, जो नॉमिनेटेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट का दूसरा पैराग्राफ है सर, इसकी सर प्लीज। मैं करवा देता हूँ, ठीक है? आगे सवाल लेते हैं। राणा अजीम, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट का दूसरा पैराग्राफ देखना है। राणा अजीम, अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, वैलिडिटी ऑफ फैक्ट्स ऑलरेडी डन, इसकी नहीं समझ रही समझ, क्या इसकी समझ नहीं लगी। फिकरा बोलो। मैंने कहा वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स ऑलरेडी डन, अच्छा, वो कल मैंने समझाया था ना तो कि सर जी मैंने देखो। ये पूछना था कि अगर जब तक उसमें से उसका फॉल्ट मतलब सामने ना आ जाए, कि जैसे डिफेक्ट ही नहीं हाँ, सर, तब तक वो अपॉइंटमेंट जितने काम उसकी उसने किए वो लीगल रहेंगे, वो लीगल रहेंगे, और वो उसके लीगल। बाद जब आ जाता फिर उसकी जो ड्यूटीज है, राइट्स है नहीं ऑफिस नहीं के। ठीक फिर तो बेटा उसको, अगर वो इनवैलिड हो गया तो फिर तो उसको वैसे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा इमीडिएटली, फिर हो गया सर तो वो जी, जो डायरेक्टर रहा उसकी ही जगह नहीं। पे, जो उसकी जगह पे जो डायरेक्टर आए, जो उसका डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा या उसको डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा, तो वो जो डायरेक्टर जो उसकी जगह पे रखा है वो रिमूव करके दोबारा उसकी सीट उसे दे दी जाएगी। नहीं, डिफेक्ट तो रिमूव नहीं होगा, डिफेक्ट रिमूव नहीं होगा। कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी, या लीगल करार देगी या इलीगल करार देगी? उन्होंने लिखा हुआ है ना, व्हेन द डिफेक्ट इज नोटिस हाँ, में शैल नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ हिज ऑफिस टिल द डिफेक्ट हैज बीन रिमूव्ड। डिफेक्ट्स है भी रिमूव का मतलब ये होगा, वो अदालत के फैसले के मुताबिक चलेगा, जो भी फैसला होगा ठीक अदालत होगा का। अच्छा यार, ये यहाँ पे गलती हुई है, ब्लंडर नहीं हुआ, तो जी, ठीक ये सही कर ले, होगा बंदा ठीक यही होगा, रहेगा तो फिर वो चलता रहेगा। वो मतलब वो जो अदालत के फैसले पर तो फिर अदालत अदालत के फैसले पे वर्डिंग में होगा ना, ठीक होगा सर। थैंक ठीक है? अली यू सर। अली जी, अली सर टाइम लिमिट में सर वो हमें कहता है कि हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, लेकिन हाँ जो जी, साथ ही हमने एग्जांपल पढ़ी है ना 15, उसमें तो सर फ्यू मंथ्स गुजर चुके हैं, टाइम हाँ एक्स्ट्रा जी हो चुका है। बेटा, 30 दिन के अंदर तो एप्लीकेशन देनी थी ना।
विदिन 30 डेज एप्लीकेशन होनी थी, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो अगले दिन फैसला सुना दे। नहीं नहीं तो सर देखिए ना, उन्होंने डिफेक्ट ही आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट वाज फाउंड दैट सर वो शेयर होल्डर ने सर एक भी फ्यू मंथ्स के बाद ही नहीं अपील की कोर्ट में। नहीं नहीं 30 दिन के अंदर अपील करनी है, 30 दिन के अंदर अपील करनी है। विदिन भाईजान विदिन 30 डेज अपील करनी है, कोर्ट ने फैसला कहते 6 महीने लगा दिए। ठीक है हेलो, कोर्ट ने फैसला कहते 6 महीने लगा दिए सर। देखो ना यार एक तो सर, लेकिन लेकिन सर इधर शेयर होल्डर से अपील ही कुछ मंथ्स के बाद कर रहे हैं। नहीं कुछ अच्छा मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, मैं इसकी एग्जांपल देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसकी एग्जांपल। ठीक है मुझे पहले ठीक है मैं देख लेता हूँ इसकी एग्जांपल। चलो अच्छा जी पहले ये देखें जी ये क्या कहता है, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट डेटर मे बी नॉमिनेटेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ दे हैव इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक हो गया, अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो तो अपना नॉमिनेट, सच पर्सन शैल बी कंसीडर्ड टू बी इलेक्टेड डायरेक्टर termed as deemed to have been elected director and shall have been considered for the calculation of minimum number of directors required for any company. Such nominated shall hold the office during the pleasure of the nomination body. हाँ जी बेटा देखो ना ABC limited a company थी जी, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के पास 50% शेयर है, बाकी ए बी सी डी के पास इसके पास 15 थे, इसके पास 15 थे, इसके पास 15 थे और इसके पास 5 थे। अब मुझे बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास 50% शेयर हैं, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए? बोलें जी एनीबॉडी, नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से है ना एनीबॉडी राणा जी? होगा सर, बिल्कुल होना चाहिए ना। ठीक है जी सर। अब इन्होंने एबीसी ने कहा जी हमने रखने डायरेक्टर हमने रखने डायरेक्टर 6, एक ये बन गया, एक एक पांच, एक ये बन गया 5% नहीं, हम एक और कर लेते हैं, पांच डायरेक्टर रखने हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एबीसी और फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया मिस्टर एक्स को कि तुम बोर्ड ऑफ इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाके बैठोगे मिस्टर एक्स। अब क्या मिस्टर एक्स के पास शेयर्स हैं? नहीं, शेयर किसके पास हैं? फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा फेडरल गवर्नमेंट एक साल बाद ही मिस्टर एक्स को हटा दे और मिस्टर वाई को लगा दे, कहता ठीक है जी कोई मसला नहीं है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट की पावर है ना, जिस मर्जी को भेज दे। और हमने रखा होता डायरेक्टर 5 हैं, तो 5वां डायरेक्टर ये काउंटिंग में आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा जी। अब इन्होंने कहा जी 3 डायरेक्टर रखने हैं, ये अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक एक्स आ गया, तो ये काउंटिंग में आएगा पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी में? लॉ कहता काउंटिंग में आएगा। द नंबर ऑफ वोट्स एज आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू इलेक्ट द डायरेक्टर इफ दे हैव ऑफर्ड देमसेल्फ फॉर इलेक्शन शैल स्टैंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल टू द नॉमिनेटेड बॉडी एट एन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा एक यस, ये बात कल समझाने से रह गई थी। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी मेरे पास तो 50% शेयर हैं, ठीक है, और मेरा तो एक बंदा आएगा ही आएगा। डायरेक्टर रखने थे 3, डायरेक्टर रखने थे 3, अब ये भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये भी इलेक्शन लड़ना चाहता है डायरेक्टर्स का, तो बाकी डायरेक्टर कितने? एक डायरेक्टर इसका आ गया, बाकी डायरेक्टर कितने रह गए? 2। अब इन 4 में से 2 सिलेक्ट होने हैं, अब इनका होगा इलेक्शन। कहता जब हम इलेक्शन करेंगे ना तो फेडरल गवर्नमेंट के वोट निकाल देंगे, यानी कि बाकी 50% वोटों के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे। बात बिल्कुल ठीक है, ये कल एक्सप्लेन होने से रह गया। एनी क्वेश्चन जी? क्वेश्चन बोलो यहां पे। जी राणा जी, जी जो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट का जो डायरेक्टर होगा, जो गवर्नमेंट ने अपना दिया होगा, उसे हम काउंटिंग में लेंगे, और जो क्रेडिटर का होगा उसे हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर जी, मैंने यही पूछना था इसकी क्या रीजन है गवर्नमेंट का। चलो गवर्नमेंट बेटा वो शेयर होल्डर है, क्रेडिटर शेयर होल्डर नहीं है, या फेडरल गवर्नमेंट शेयर होल्डर है,
तो फिर वो उसे डायरेक्टर क्यों बना देते हैं अगर वो शेयर होल्डर ही नहीं? कौन? जो नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर है वो तो बेटा उनको पैसे दिए हैं। ठीक हो, हाँ जी, इसलिए ताकि वो बताया तो था वो इतनी मशहूर वो पैसों के बदले। ठीक, हाँ जी, इतनी मशहूर एग्जांपल दी थी विंडो ड्रेसिंग की। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अच्छा इसकी एग्जांपल देखो जी, आगे आओ, नहीं आगे चले। अब यहाँ पे सवाल बोलो जी। अच्छा, जुनेद वाज इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ द अबल लिमिटेड इन द लास्ट जनरल मीटिंग आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। इट वाज फाउंड दैट द जुनेद अपॉइंटमेंट वाज नॉट वैलिड एज वोट्स बाय सर्टेन मेंबर्स वर काउंटेड ट्वाइस ड्यू टू द एरर। फ्यू डायरेक्टर्स हैव चैलेंज्ड द वैलिडिटी ऑफ ऑल द मीटिंग। ओ बेटा, ओ खुदा के बंदे हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट वॉज फाउंड दैट अपॉइंटमेंट वॉज नॉट वैलिड, यानी कि एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर फाइल हो गई थी। तो मैंने कहा अदालत ने फैसला 6 महीने बाद किया, और 6 तो 1 7 महीने हो गए, तो फ्यू मंथ्स हो गए। किसने किसने इस एग्जांपल में पूछा था मुझसे जी? रेज योर हैंड बेटा, किसने? हाँ जी अली, हाँ बेटा अनम्यूट करो अपने आपको। जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया ना यार उसने? हाँ, आपको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आई ना? ठीक है सर। हाँ पुत्र, अंग्रेजी पढ़नी जरूरी है ना, इंग्लिश आनी जरूरी नहीं, अंग्रेजी आनी जरूरी है। ठीक है, आपकी इंग्लिश तो वो है ना, वो GR 8 ग्रेट सर। दरअसल में इसमें उसने कोई बात या करके तो नहीं ना लिखा, तो चलो समझ तो ऐसे ही आ रही थी। माफी दे दो आई कैब, और दसो। ठीक है, माफी दे दो आई कैब। चलो जी आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। कैजुअल वैकेंसी, हाँ जी जनाब, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। जब भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी बेटा, उसकी जगह पे जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स होंगे वो डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर लेंगे। एक डायरेक्टर मर गया, एक्सीडेंट हो गया जी, मर गया जी, कल 9 डायरेक्टर से 8 9वां डायरेक्टर बना लेंगे, या वो डायरेक्टर वैसे ही अनसाउंड माइंड हो गया, अनडिस्चार्ज साइलेंट हो गया, तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, या वो रिजाइन कर गया। ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मिनिमम नंबर्स पूरे हैं तो आप कैजुअल वैकेंसी बेशक फिल ना करें। यानी कि मेरे 9 डायरेक्टर हमने रखे थे ना, 1 रिजाइन कर गया, 8 रह गए, तो क्या मैं लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ? करता हूँ, मैं चाहे बेशक अपना जो कैजुअल वैकेंसी फिल ना करूँ, बेशक ना फिल करूँ, नो नीड। हाँ, अगर मैंने नंबर ऑफ डायरेक्टर रखे 7 थे और एक बंदा रिजाइन कर गया और 6 रह गए और ये लिस्टेड कंपनी थी, तो बेटा फिर तो मुझे कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। यही केस स्टडी है जी मेरे ख्याल में। और कैजुअल वैकेंसी आपने कितने दिन के अंदर फिल करनी है? 90, एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी फिल्ड बाय द डेटर एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी। 90 दिन के अंदर फिल करनी है, और बाकी कंपनी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में अगर आपके 9 डायरेक्टर से, एक बात और है, लिस्टेड कंपनी में अगर आपके 9 डायरेक्टर से, तो वहां बेटा कैजुअल वैकेंसी फिल करना जरूरी है, कंपलसरी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। यहां से फिर केस स्टडी बनता है कि वो आपको लिस्टेड कंपनी का सवाल दे या अदर देन लिस्टेड कंपनी का सवाल दे। तो यहां पे याद रखिएगा कि प्लेन पेज पे आ जाए जरा जी, आपको वो केस स्टडी दे, आपने वो केस स्टडी गौर से देखना है, वो आप देखना है कि लिस्टेड कंपनी है। हम एक बना लेते हैं जी, एक केस स्टडी आ गया आपको अनलिस्टेड कंपनी का। अनलिस्टेड कंपनी में उसने कहा जी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड इन लास्ट इलेक्शन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड इन लास्ट इलेक्शन 9, और यहां पे 4 कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू डेथ लिख लेते हैं, यहां रह गए 8,
यहां रह गए तीन। दिस कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड विद इन 90 डेज। यहां कैजुअल वैकेंसी फिल करनी जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पे अनलिस्टेड के जो मिनिमम नंबर ऑफ डेटर्स है वो तीन है। हाँ, अगर तीन में से एक मर जाता और दो रह जाते फिर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट कर अपॉइंट करना जरूरी थी। जी सवाल बोलो जी। एनी क्वेश्चन जी? जी दानियाल जी, दानियाल बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। दानियाल की आवाज नहीं आ रही, वो बोल नहीं रहा। मोहम्मद अहमद सर, आपने कहा था मिनिमम अगर पूरे हैं तो फिर जरूरी नहीं है फिल करना। लेकिन बेटा लिस्टेड में उसने शेल का वर्ड लिख दिया ना। लिस्टेड में अगर मिनिमम पूरे भी हैं फिर भी पूरे भी हैं फिर भी फिल करनी है। ठीक, अब वहां लफ्ज देखो, लफ्ज शेल लिख दिया ना वहां पे उसने। ठीक है, चलें आगे चलें। आगे चलें जी। नंबर एंड कैजुअल वैकेंसीज होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। कोई प्रॉब्लम होगी तो यू शुड डिस्कस। आगे चलें जी। अच्छा, रिमूवल मैं आज नहीं पढ़ा रहा जी, रिमूवल मैं होल्ड कर रहा हूँ। रिमूवल मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट। अच्छा, माइट भी मैं मंडे को क्लास करूँ क्योंकि शायद मैं बुध या जुमे एक दिन क्लास ना कर सकूँ, तो मैं पर आपको बता दूंगा ग्रुप में अगर मैंने मंडे को क्लास करनी हुई, मंडे को या ट्यूसडे को। आगे चलेंगे। रिमूवल होल्ड है जी, रिमूवल की वो भी होल्ड है जी, उसकी एग्जांपल्स भी होल्ड है। अच्छा, वोकेशन ऑफ ऑफिस, लो जी एक और इनलिजिबिलिटी है, यानी कि ये फर्दर इनलिजिबिलिटी है बेटा। एक पीछे में इनलिजिबिलिटी आया, a director shall be treated to have been vacated the office chhodna padega if he becomes ineligible to be the appointed director. ye kaun si hai, ye wo purane section wali, wo unsound mind ho jaye, undischarged shall ho jaye, wo section number dekhiyega kaun sa piche jaiyega, ineligibility wala section kaun sa, ye eligibility, ye section 153, udhar wapas aaye aap। acha ye ho gaya ji section 153। में जितनी एलिजिबिलिटी है वो इस फिक्रे में फॉल करती है। अब एक और एलिजिबिलिटी है, ही एब्सेंट हिमसेल्फ, एब्सेंट नॉट लीव फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड विदाउट सीकिंग द लीव ऑफ एब्सेंट। उसने छुट्टी की दरखास्त नहीं ली। अब आप छुट्टी को और एब्सेंट को समझते हो, लीव का मतलब होता है कि बकायदा मैं नहीं आ सकता, ताड़ी मेहरबानी, मैं आज बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मुझे बड़ा जरूरी काम है, मुझे कोरोना हुआ। ठीक है, अगर वो मुसलसल 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में नहीं आया तो भाईजान उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ही हिज पार्टनरशिप फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर और एनी प्राइवेट कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर। ये इकट्ठा ही है बेटा, ये इकट्ठा ही है। ये एक्सेप्ट एनी लोन और ए गारंटी फ्रॉम द कंपनी इन कंट्रोवर्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। अच्छा जी, ये आगे सेक्शन आएगा जी, ये वाला जी, ये सेक्शन आएगा, जरा आगे चलेंगे। मैं बेटा एक मिनट जरा देख लो, जरा सेक्शन ये कौन सा आगे आएगा। आगे चले, आगे आगे, पीछे पीछे पीछे। आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये लो, ये बेटा वापिस आए, यहां लिख ले सेक्शन 182। कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी कंपनी से लोन ले ले या डायरेक्टर की एक पार्टनरशिप फर्म है, ये बस मैं सिर्फ यहाँ पे सादा पढ़ा रहा हूँ, ये आगे जाके पूरा सेक्शन आ जाना है।
ये अपनी याददाश्त के लिए लिख लें, तो फिर भी वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। ये पूरा आपका आगे सेक्शन 182 आ जाना जी। यानी कि ये ना कि देखो एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके तीन डायरेक्टर हैं एबीसी। एक और कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स हैं ए एक्स वाई और जेड। कॉमन क्या है? ए। इसके पास पैसे पड़े 100 रुपया, वो कहते हैं इसको उधार दे दें, इस कंपनी को, इस कंपनी को उधार दे दें। जस्टिफाइड? नॉट जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड। या वो कहता है कि किसी एक्सेप्ट्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स, यानी ये भी सपोर्टर है, कोई और ऑफिस एक्सेप्ट कर ले अदर देन द सीईओ एंड द टेक्निकल एडवाइजर, इसकी एक्सेप्शन आ गई। अच्छा, ये एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन सिर्फ टेक्निकल एडवाइजर तक है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं हो सकता भाई किसी का। यहाँ लिखा हुआ जब हम चीफ एग्जीक्यूटिव में जाके पढ़ेंगे ना, तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी, यानी कि पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मैं कहूँ जी मैं टिप्स का डायरेक्टर भी हूँ, टिप्स कंपनी है, और मैं स्कैन का डायरेक्टर भी हूँ, विदाउट दी सेंक्शन ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। कहता ले सकता है वो, एक्सेप्ट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर सकता है, लेकिन पूरे शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। जब मैं वर्ड बात करता हूँ ना बेटा जनरल मीटिंग की मीटिंग, तो इसका मतलब अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। ए कंपनी मे इंक्लूड द इंडिविजुअल ग्राउंड फॉर वोकेशन ऑफिस। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है आर्टिकल में, आप कोई भी और बात लिख सकते हैं कि जी डायरेक्टर ये भी नहीं कर सकता, डायरेक्टर वो भी नहीं कर सकता, वरना वो डायरेक्टर को निकाल देंगे। एडिशनल ग्राउंड, कोई भी एडिशनल ग्राउंड हो सकती है जी, जहां पे आप कुछ करके जी हम उस कंपनी का डायरेक्टर्स नहीं कर सकते जी। Claim is a debtor of Bahal Limited on October 2017. Claim went abroad on a personal trip and returned back on 15 February 2018. He was unable to attend the 5 board meeting which were held during the period. Advice claim. Ispo factor hota dar hakikat. Beta ye Latin word hai. This is Latin word. Ispo factor hota in fact. Kyunki wo 3 meeting mein without absent raha hai, leave raha hai. Agar usne chutti ki darkhwast di hoti phir nahi hona tha. Any question up to here? Any question up to here? Any question up to here? जी जी दानियल, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मतलब वो डायरेक्टर की पोजीशन पे नहीं रहा लेकिन वो शेयर होल्डर तो है ना कंपनी? हाँ जी शेयर होल्डर तो है, वो शेयर होल्डर तो है सर। उसकी जगह फिर एक और डायरेक्टर, वो कैजुअल वैकेंसी लगानी पड़ेगी या? हाँ जी फिर कैजुअल वैकेंसी लगानी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। ठीक है और आगे चलें जी। महद जी, महद सर, ये कैजुअल वैकेंसी जो नया बंदा अपॉइंट होता है ये परमानेंट होती है टेंपरेरी? नहीं नहीं, फादर रिमाइंडर पीरियड 3 साल बाद होने है ना, फादर रिमाइंडर पीरियड। नहीं जी, पावर ऑफ बोर्ड। अब ये ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दी है, द बिजनेस ऑफ कंपनी शैल बी मैनेज बाय द बोर्ड। बिजनेस अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं। हु मे एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स ऑफ द कंपनी एज आर नॉट बाय द कंपनी एक्ट और बाय द आर्टिकल और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। कुछ बोर्ड की पावर्स हैं और कुछ पावर्स वो एक्सरसाइज करते हैं विद द अप्रूवल ऑफ दी मेंबर्स, विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। अब लॉ कहता है कहीं पे स्पेशल अनुमति पास करके वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो नाम ही चेंज करना है, किसी ने चेंज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज करना है, लेकिन शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। यानी कि कुछ पावर्स वो एक्सरसाइज कर सकते हैं खुद बोर्ड ऑफ। एक देखो चार तरह से पावर एक्सरसाइज होती है, समझिएगा। एक है डायरेक्टर अकाउंट्स बन गया, एक हो गया जी डायरेक्टर मार्केटिंग हो गया। अब डायरेक्टर जो डायरेक्टर अकाउंट्स वाला है, अब वो जी 100 रुपए का वोचर डालना है, कोई एक्सपेंस का वोचर डालना है, अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल करे? नहीं, कुछ उसके पास अपनी पावर्स हैं, कुछ उसके पास उसने एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में पावर करनी है। फिर कुछ पावर है जहां पे उसको सारे डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चीज डिसाइड करनी है और उन्होंने पावर एक्सेस करनी है। फिर कुछ पावर है उन्होंने शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, और शेयर होल्डर की अप्रूवल में सिंपल रेजोल्यूशन भी हो सकती है और स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकती है।
अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पावर टू वेस्ट बाय पासिंग ए बोर्ड रेजोल्यूशन। ये फॉलोइंग पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास कर सकते हैं इन देयर बोर्ड मीटिंग। यहां पे उनको शेयर होल्डर के पास जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर वो आर्टिकल में को कर दें तो वो अलग बात होती है। लें जनाब, बड़ी जरा सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसको जरा पढ़ेंगे, जरा थोड़ा सा आपका दिमाग भी इस्तेमाल करें। ये आपने पढ़ना है जी, यहां से लेकर यहां तक, और सवाल आपने करने हैं। आगे चलें जी, यहां तक पढ़ें जी जरा। ये आप पहले पढ़ेंगे, 5 मिनट बाद कोई आप सवाल होगा तो वो हम डिस्कस करते हैं जी। सवाल बोलो जी, पीछे आ जी, पहले पीछे बेटा सवाल बोलो। अपनी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। डिबेंचर बेटा मार्कअप के जरिए होते हैं, रिडीमेबल कैपिटल जो वो कैपिटल जो वापस कर दिया जाना है। अदरवाइज बारो मनी बैंक से बारो कर सकते हैं,
अपने फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, अकाउंट्स अप्रूव कर रहे हैं, इम्प्लाई को बोनस अप्रूव कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, कोई लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल बोलो जी, क्वेश्चन यहाँ पे कोई सवाल नहीं, इतने लायक कहाँ से हो गए आप? अरगमान भट्टी जी, अरगमान फिर जनरल मीटिंग के पास जाते हैं, फिर वो अप्रूव करते हैं कि आपका आपने कितना लेना है। तो कहते हैं कि एक्सपेंडिचर भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी लिमिट तक कर सकते हैं, बिल्कुल लिमिट तक कर सकते हैं, से 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन इस तरह कर पर मंथ, वो इस तरह नहीं करते ना। हर बात पे आप शेयर होल्डर को नहीं बुला सकते बेटा, ठीक है? अगर वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी पावर्स लिख लेते हैं कि जनाब वो एक ही बार अप्रूवल ले लेते हैं, वो बात समझे हो? हाफिज अहमद, जब तक बच्चे का सवाल कंप्लीट, जवाब नहीं कंप्लीट हो जाता उसको अनम्यूट मत किया करें। हाँ सर, पीरियोडिक अकाउंट के बारे में बताइएगा। पीरियोडिक मंथली अकाउंट्स बेटा, क्वार्टरली अकाउंट्स, मंथली अकाउंट्स। सर यहाँ पे ना बुलेट्स में ये लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट ऊपर वाला, सर टू डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ एंड द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ लास्ट विट मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड अ क्लेम और राइट इन फेवर ऑफ कंपनी मे बी रिलीज, सर इसका जरा बताइएगा। कंपनी का किसके साथ मुकदमा चल रहा है? आगे चले जी, अनम्यूट ही रहो बेटा। मुकदमा चल रहा है कंपनी का, कंपनी के खिलाफ, कंपनी जिस तरह काम बंदा मुकदमा कर सकता है उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, इस तरह कंपनी का मुकदमा चल रहा है। किसी ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया 1 करोड़ हर्जाने का, उसने शॉर्ट आउट कर लिया कि यार 30-40 लाख पे शॉर्ट आउट करो, मामला खत्म करो, तो क्या डायरेक्टर की पावर है? द आंसर इज डायरेक्टर अपने कंपनी के मुकदमात को सेटल डाउन कर सकता है। क्लियर जी सर। और सर आपने भी बताया रिडीमेबल कैपिटल कौन सा होता है? जो वो कैपिटल जो वापस कर दिया जाता है सर, मतलब फॉर द टाइमिंग लिया, हमें जरूरत नहीं थी, हमने जरूरत पहले मैंने अपने पेड अप शेयर्स ले लिए, फिर रिडीमेबल कैपिटल इशू किया, लोगों को कहा कि तुम्हें 3 साल बाद कैपिटल वापस कर दिया जाएगा, हम प्रॉफिट लॉस बेस करेंगे, जितना 3 साल प्रॉफिट होगा हम आपको बांटेंगे, पैसा भी प्रिंसिपल भी वापस कर देंगे और प्रॉफिट भी दे देंगे। दैट इज कॉल्ड द रिडीमेबल कैपिटल, वो कैपिटल जो रिडीम कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है जी सर, क्लियर सर। जी सर, क्लियर सर। नेक्स्ट, और कौन से हाथ खड़ा किया था जी? देखो रेज हैंड थे जी, और दानियाल जी, दानियाल। इंटरम डिविडेंड होता है, मैंने आप सवाल नहीं सुना, मैं वैसे भी बोल रहा हूँ। इंटरम डिविडेंड होता है जो 6 माह के बाद आप दे देते हैं, फाइनल डिविडेंड होता है जो 1 साल के बाद देते हैं। ये बेटा डिविडेंड का भी चैप्टर आगे आएगा जी। दानियाल, दानियाल और दानियाल बोलो आगे भी, तू यार गूंगा बन गया था हमजा। चलो दानियाल का माइक खराब है सर, मैंने ये कंफर्म कर रहा था सर, ये जो पॉइंट्स लिखे इनके लिए जनरल मीटिंग में अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना शेयर होल्डर के लिए, ये वो डायरेक्टर में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये जनरल मीटिंग में एक ही दफा अप्रूवल ले लेते हैं कि जी हम कितना लोन ले सकते हैं, ठीक है? शेयर होल्डर जी आप 500 मिलियन लोन ले सकते हैं, फिर बोर्ड मीटिंग खुद डिसाइड करते हैं 300 लगे, 200 चाहिए, 100 चाहिए, वो फिर डिसाइड कर लेते हैं कितना चाहिए, 500 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है? फिर वो आपस में आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि यार कितना लोन चाहिए, ठीक है सर? मतलब ये सारी बातें पहले जनरल मीटिंग में प्रूव हो चुकी होंगी? सारी बातें नहीं होती, सारी बातें नॉर्मली लोन, दो ही बातें होती हैं, मैं आपको नाइट की पहली दोनों ये वाली, बाकी अकाउंट्स डायरेक्टर ने इशू करने हैं, बोनस डायरेक्टर्स ने देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टर्स ने करना है, सिर्फ ये पहली दो बातों का रोल है जी, बस। ठीक है, आगे चलेंगे, ये मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच दे देता हूँ, आगे चलेंगे। कोई और सवाल तो बोलें जी। ऑथोराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग, अब देखें, अब उसने फर्दर ऑथोराइजेशन की बात की कि ये बातें आपने लाजमी शेयर होल्डर से पूछनी, ये खुद नहीं कर सकते, ये खुद नहीं कर सकते, ये बातें तो शेयर होल्डर की मीटिंग के बारे कर ही नहीं सकते। क्या कहता जी, आपने कोई अपना फैक्ट्री का मेजर पार्ट बेचना है, या आपने लीजिंग करनी है, या आपने सेलिंग करनी है, या आपने अपनी को सब्सिडरी बेचनी है, या आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसको टाइम देना है, ठीक है? या आपने होल्डिंग कंपनी को लोन दिया, या आपने उसको टाइम देना है, किसी
किसी डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, ये कहता आप शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। A listed company is not entitled to sell or otherwise dispose of the undertaking which results in or may lead to closure of business. ये ना डायरेक्टर सारा उठा के बेच दें, ऑपरेशन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी विदाउट देयर बीइंग अ वेरी वायबल अल्टरनेट प्लान एंड ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द बोर्ड। Any resolution passed after the general meeting if not implemented within 1 year from the date of passing shall stand lapse. वो कहता जी लो जी उन्होंने कहा जी कि हमने फैक्ट्री बेच देनी है। अच्छा जी बेच दें, फैक्ट्री बेच के बाद में चलाना कैसे है? वो डायरेक्टर कहते हैं अच्छा जनाब हम टैक्स भेज देंगे और हम ऐसे करते हैं कि हम ना कोई मेडिसिन की कंपनी करते हैं, आजकल कोरोना बड़ा फायदा जी हॉस्पिटल बनाते हैं जी उसके बड़े फायदे होंगे, वो पूरा प्लान देंगे। शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी, ठीक है जी आप टेक्सटाइल मशीनरी बेच दें और आप जो हॉस्पिटल बना लें। साल तक, एक साल तक डायरेक्टर नहीं बना सके तो भाई जान वो स्पेशल रेजोल्यूशन लैप्स हो गए। जो भी रेजोल्यूशन या स्पेशल या सिंपल रेजोल्यूशन जो भी बनेगी अगर एक साल तक इंप्लीमेंट नहीं होगा वो लैप्स हो गए, आपको फिर रेजोल्यूशन दोबारा पास करनी पड़ेगी। एंड दिस इज योर होमवर्क, वही बातें रिपीट की गई हैं जी इलस्ट्रेशन में। आगे चलें जी, ले जी ये कल पढ़ेंगे। लाइबा जी, जी लाइबा जी, लाइबा अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, आज वाला लेक्चर अपलोड करते हो जाएगा हैं। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ओके सर। अब्दुस्तार जी, अब्दुस्तार जी बेटा आइए ना बोलो। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, मैंने लेक्चर के कहना था आज अपलोड करते हैं। तो वो लाइबा ने कह दिया ठीक है अपलोड ऑफ हो जाएगा। तेरी आवाज भी लाइबा जैसी है यार, तू भी लड़के जैसी आवाज है तेरी भी दोस्तान, तू ही भैन भरा लग जाए पिछले कुंभ दे मेले च गुआचे हुए। चलो अल्लाह हाफिज जी, खुदा हाफिज़।